नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का वीके न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का आज गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में निधन हो गया। वे बीते कई दिनों से बीमार चल रहे थे और उन्हें एक महीने पहले ही आईसीयू में शिफ्ट किया गया था, जहां उन्होंने अब अंतिम सांस ली। मुलायम सिंह यादव 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उनसे जुड़े कई किस्से हैं जो उनको करीब से जानने वाले अब सभी के साथ साझा कर रहे हैं। इसी कड़ी में सभी के दिलों पर राज करने वाले और राजनीति में भी अपनी खासी रुचि रखने वाले कवि कुमार विश्वास ने उनसे जुड़ा एक किस्सा बताया है। उन्होंने बताया कि एक बार एक कवि ने वाजपेयी को सिर्फ अटल कहकर संबोधित कर दिया था, जिसके बाद मुलायम भड़क गए थे। कुमार ने बताया कि 2007 में जब मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे, उस समय इटावा में एक कवि सम्मेलन में उन्होंने एक वीर रस के कवि को टोक दिया था और कवि भी डर गया। इसके बाद मैं खड़ा हुआ और मैंने मुलायम सिंह जी से कहा कि ये ठीक बात नहीं है, आप मुख्यमंत्री इसी लोकतंत्र की आवाज से बने और आपने कवि को रोक दिया। मुलायम सिंह खड़े हुए और उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा और बोले, मैंने रोका नहीं है, मैंने बस ये कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी को अटल मत बोलिए। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद कवि कुमार विश्वास ने ट्वीट कर उन्हें याद भी किया। उन्होंने लिखा, ये हमारे लिए अपूर्णीय क्षति है। कुमार विश्वास ने आगे कहा कि आप नेताजी के फैसले का विरोध कर सकते हैं, लेकिन वे उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए एक इमोशन थे। वो एक ऐसे इमोशन थे जिन्हें सालों से उत्तर प्रदेश जी रहा था। कुमार विश्वास ने कहा कि मुलायम सिंह यादव एक जमीनी नेता थे जिन्होंने उत्तर प्रदेश को पैरों से नापा था। आज जो राजनीति लोग कर रहे हैं, उनकी नींव मुलायम सिंह यादव ने ही रखी थी। आपको बता दें, सपा संस्थापक ने 82 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। पार्थिव शरीर गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल से डीएनडी होते हुए उत्तर प्रदेश के सैफई लाया जा रहा है, जहां उनका मंगलवार की दोपहर 3 बजे अंतिम संस्कार किया जाएगा। इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए वीके न्यूज के साथ। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।